आज का हमारा जो विषय है वह है सनातन सत्य। बहुत ही सुंदर विषय है। हमको ये जानना है कि व्हाट इज एब्सोल्यूट रियलिटी, वास्तव में सत्य क्या है, इस दुनिया के अंदर अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, वो हमें जानना है। वो ही हम आपको देने की कोशिश करेंगे। न तो किसी हम धर्म से जुड़े हुए हैं, न किसी मत से जुड़े हुए हैं, न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, न कोई हमारा गुरु जो है वो शिष्य का भेद है, न कोई बात है। हम तो आपके दृष्टिकोण को शुद्ध करना चाहते हैं, राइट बिलीफ देना चाहते हैं, आपकी रॉन्ग बिलीफ निकालना चाहते हैं। और जब आप सुनेंगे आपको खुद मालूम हो जाएगा कि ये तो सही दृष्टि बताई जा रही है। सनातन सत्य, सनातन सत्य क्या है कि ये पूरी प्रकृति है, ये प्रकृति सनातन सत्य है, ये प्रकृति का कानून चलता है। उस प्रकृति के कानून जो है हम सब पे लागू होता है, क्योंकि हम इस प्रकृति के सदस्य हैं। 84 लाख जीवा योनि जितनी भी इस प्रकृति के अंदर निवास करती है वो सभी इसी प्रकृति की सदस्य है, और वो इसके अंदर जन्म लेती है। सृष्टि माँ हमको जन्म देती है और उसके साथ के अंदर हमारा भरण पोषण करती है। रियलिटी यह है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना है, पूरी सृष्टि बनी है, पूरा लोक बना है, पूरा पृथ्वी बनी है, पूरा विश्व बना है, पूरा जगत बना है। इन 5 तत्वों के द्वारा ही हर जीवित प्राणी जन्म लेता है, जीवन भर भरण पोषण करता है। 84 लाख जीवा योनि पूरी भरण पोषण करती है और वो भरण पोषण करके बाद इसी में विलीन हो जाती है पृथ्वी। जब वो जीवित प्राणी मर जाता है, जिसका शरीर समाप्त हो जाता है, चाहे पेड़ का हो, चाहे पौधा का हो, चाहे पशु का हो, चाहे मानव का हो, तब वो जड़वत बन जाता है और उसके जो 5 तत्व निकल जाते हैं, पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में मिल जाता है। लेकिन अब सनातन सत्य की बात हो जाती है कि सब कुछ निकल गया, इधर से वापस ब्रह्मांड के अंदर आ गया, तो वो कौन सा सत्य है जो कि इसको इतने समय तक 60 वर्ष 70 वर्ष तक खिला रहा था, पिला रहा था, पेड़ को जो है ऑक्सीजन दिला रहा था और पेड़ जो है और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा था, सिंथेसिस कर रहा था और हमको जो प्राण वायु दे रहा था, और पेड़ जो है कभी खिलता था और कभी पतझड़ के अंदर सारे पत्ते, टोटल 100% पत्ते जो है वो गिर जाते थे और थोड़े समय में नई कोपले निकल करके और नया पेड़ वापस जो है जवान पेड़ तैयार हो जाता था, जो हमारे जो ऋतु परिवर्तन के अनुसार हो जाता। तो वो कौन सा तत्व है जो सब करा रहा है, वो कौन सा तत्व है जो कि बच्चा जन्म लेता है, फिर उसके बाद के अंदर जो शिशु से जो है वो बाद के अंदर बड़ा युवक बनता है, युवक बनकर के प्रौढ़ बनता है, प्रौढ़ बन के बुजुर्ग बनता है, बुजुर्ग बनकर एक दिन चला जाता है। सब कौन कराता है, ये सब कराने वाला कौन है, ये जानने वाला सनातन सत्य है। मैं बोल रहा हूं, कौन बुला रहा है, व्यक्ति खाना खा रहा है तो कौन खिलाने वाला कौन है, क्या ये शरीर खाना खा सकता है, ये तो शरीर जो है भोजन उसके सामने हाथ चलते हैं, वो खाना, हाथ को चलाने वाला कौन है, भोजन को बनाने वाला कौन है, ये सनातन सत्य है। हम गहराई में जाके अध्ययन करेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि वो सनातन सत्य है, वो आत्मा है, और उसको जब शरीर में रहती है तो दूसरा सनातन सत्य है, कुदरत है, कुदरत सनातन सत्य है और आत्मा सनातन सत्य है। कुदरत रिलेटिव है और आत्मा है वह रियल है, ये दोनों मिलकर के सनातन सत्य बनते हैं। इस सनातन सत्य की हम जानकारी करेंगे तभी हमारा जीवन सच्चा बनेगा। हम सनातन सत्य नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे तो अज्ञान में रहेंगे। मात्र यही होगा, सुबह उठ गए, चाय पी ली, भोजन कर लिया, तैयार होकर ऑफिस चले गए, ऑफिस के अंदर अपना धन कमा लिया, जो भी कार्य था वो कर लिया, घर आ गए, फिर चाय पी ली, फिर खाना खाया, टीवी देखा और सो गए। ये पूरी जिंदगी भर यही करते रहेंगे, ये अज्ञान है।
ये सब होने के बाद भी हमको ये पता नहीं कौन करवा रहा है। अगर आपको सनातन सत्य का पता करना तो मैं एक उदाहरण दे करके, उदाहरण कहानियां मुहावरे दोहे ये व्यक्ति में घाघर में सागर भरते हैं, ये हमारी सोच को क्लियर करते हैं।